जयकाल भैरव जय घोरा में तांत्रिक दैत्य दैत्य सरकार का सच आया सामने। हम हमेशा वीडियो में कहते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फला का काम कर दिया, और हम ज़्यादातर जो है बहुत कम वीडियो रिकॉर्डिंग की डालते हैं। हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता और हम कभी भी किसी की वीडियो नहीं डालना पसंद करते, किसी की रिकॉर्डिंग नहीं डालना पसंद करते। परंतु बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुवर, आपके यूट्यूब चैनल की कमेंट भी ऑफ रहती है। भाई पहला सवाल, और दूसरी चीज़ है, क्या प्रमाण है कि हम माने दैत्य सरकार के पास कोई सत्ता है या शक्ति है? देखो, जितने भी लोग हमारे शिष्य हैं, जो लोग हमारे पास आते हैं, और जिस भी व्यक्ति ने हमसे साधना ली है, जो भी व्यक्ति हमारा शिष्य बना है, और जो भी व्यक्ति हमारे सानिध्य में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है, और जो भी व्यक्ति हमारे साथ साधना करता है, वो पहली रात में जान जाता है कि हमारे पास कुछ है कि नहीं है। ये तो बात हो गई दूसरी। हमने आज ये कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए डाली है, इस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों का काम करके भूल भी जाते हैं कि हमने किसका काम किया। इतनी तादाद है लोगों की, हमारे पास आने वालों की हजारों की तादाद में लोग आते हैं। हमें खेद सिर्फ इस बात का है कि हम हर किसी व्यक्ति को समय नहीं दे पाते। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि गुरुवर, आप फोन नहीं उठाते, हम मजबूर हैं, परेशान हैं, हम कहाँ जाएं? हर तरफ चोर लुटेरे और झूठे मक्कार लोग बैठे हुए हैं। जितने भी लोग हैं ये कहते हैं कि गुरुवर, आपकी बात में दम है, आपकी बात सच्ची है। इसका प्रमाण क्या है? लोग हमें फ़ोन करके बताते भी हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके लिए जो भी उनका काम होता है, सालों से भटक रहे हैं कि डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन साल से, पाँच साल से भटक रहे हैं, उनका कार्य हम करके देते हैं। जब हम उनका कार्य करके देते हैं तो वो लोग हमारा गुणगान करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? जब हम किसी का कार्य करेंगे तभी तो वो हमें मानेगा कि हम कुछ हैं। तो इसी प्रकार से हमने एक विदेशी, हमारी बेटी है, हम सबको बेटी कहते हैं, उसका नाम भी हमने बेटी विदेश से सेव कर रखा है। हमारे लिए दुनिया में सारी जितनी भी बेचारी बच्ची हैं सब हमारी बेटी हैं। हमने उसका एक कार्य किया था, इसका नाम हम नहीं बताएंगे, इसकी पहचान हम गुप्त रखेंगे। ये जो बेटी है हमारी, ये विदेश में है, बहुत परेशान थी, थोड़ी आर्थिक स्थिति भी ख़राब थी। ये कुछ चाहती थी, इसका कुछ काम था कि भाई इसकी समस्या का समाधान हो, और इसने हमसे संपर्क किया था। इसने थोड़े बहुत धन की व्यवस्था की थी, जो भी इसकी पूजा पाठ में जो क्रिया में लगता ही है वो हमने लगाया था, इसकी क्रिया हमने कर दी थी। क्रिया करने के बाद हम व्यस्त हो गए थे, इसका कार्य हो गया, या मैं बार बार फ़ोन कर रही थी परंतु हमें फ़ोन उठाने का समय नहीं था। उसके बाद जाकर इसने एक दिन, कल रात की बात है कि हमने फ़ोन इसका उठाया, इससे बात की, इसने मैं बधाई दी गुरुवर, मेरा कार्य हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह रिकॉर्डिंग हम सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जानना चाहते हैं भाई क्या है, सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है। तो हर व्यक्ति सत्य जानना चाहता है, उनका अधिकार भी है। और जो भी व्यक्ति है, जो भी कुछ पूछना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में होता है, फ़ोन नंबर भी वही है, और कभी भी कोई भी व्यक्ति हमें फ़ोन कर सकता है और मैसेज लिखकर कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो बिल्कुल, और सभी इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुने, ये कुछ प्रमाण है और दैत्य सरकार के आदेश महाकाल। वेरी जो है, हम समय नहीं दे पाते लोगों को, ना बात कर पाते। ठीक है बेटी, अब हमें ये बता, हमने तेरा काम किस तारीख को किया था और कितने समय में हो गया? आपने 26-27 को आपको पैसे मिले थे, आपने उस दिन मैसेज किया था सुबह कि जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं वैसे ही मतलब आपका काम स्टार्ट कर दूंगा। तो 27 को ही मतलब आपको पैसे मिले, और 29 को मेरे बॉस का फोन आ गया, 29 से ही मैं काम पे लग गई। अच्छा बेटी, मैं तेरी जानकारी गुप्त रखूंगा, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि तेरे जैसे लोगों की मदद हो सके। बहुत सारे लोग ना प्रमाण मांगते हैं और मेरे पे बात करने का भी समय नहीं होता। मतलब मेरे पास एक मैंने बहुत फोन किया आपको, मैंने सच में बहुत फोन किया, थैंक यू बोलने के लिए, बट आप एक नहीं, एक भी फोन नहीं उठाया। हमने तेरा काम कर दिया था। मेरे को डर लगने लग गया बीच में कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं हो गया मुझसे। अच्छा बेटी, तू कहाँ से बोल रही है बता? हम ये एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें नाम काट के ना, ताकि चैनल पे लोगों को, देख आदमी को प्रमाण चाहिए, ठीक है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। तू कौन से, भारत में तो नहीं है ना तू?
नहीं भारत में, मैं विदेश से बात कर रही हूँ। हाँ तो लोगों को यही बताना होता है कि दैत्य सरकार की सत्ता दुनिया से भारत से बाहर भी लागू होती है, चाहे कनाडा का काम हो, जर्मन का काम हो। मतलब आप ना मेरा नाम जगह सब कुछ काट के रिकॉर्डिंग कीजिएगा। नहीं नहीं बेफिक्र रहे बेटा, नाम सब जानकारी गुप्त रहती है, इसके लिए बेफिक्र रहे। किसी की भी रिकॉर्डिंग का ना नाम होता ना नंबर होता है, सिर्फ तेरी आवाज ही जाएगी। और ये भी जरूरी है, तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ढूंढते हैं कि कोई हमारा काम कर सके, लेकिन बेटे नहीं, उनकी मदद कौन करेगा, कैसे करेगा? अभी तू बताएगी तो दूसरे की मदद होगी ना। लोग सोचते हैं गुरुजी फोन नहीं उठाते इसका मतलब गुरुजी घमंड नहीं है, गुरुजी पे समय नहीं है। जी गुरुजी। गलत तो नहीं, कम से कम मेरी आदत है कि मैं आदमी का काम पहले करता हूँ, बात बाद में कर लेता हूँ। बात ना हो एक तरफ है, काम हो जाएगा। पता नहीं कैसे मजबूरी में कोई आदमी मेरे पास आता है और मैं मजबूरी समझता हूँ। मैं लोगों का कार्य करता हूँ, बात कम करता हूँ, ठीक है जी। कोई बात नहीं, तू खुश रहे, ठीक है। बस ये है, अपना आगे बढ़ जीवन में, और जैसा हो हमें बस देश का नाम तो बता दे अपने खाली। साइप्रस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये इसलिए है, ठीक है बेटी। तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है? और मेरे को नहीं कोई आपत्ति नहीं, मेरे को थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। बता बता बेटी, कोई जरूरी बात है? रोक देता हूँ मेरी गुड़िया। हाँ जी, ठीक है, अब बता। हाँ वो गुरु